विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का एग्जांपल है 8^m + 2^m = 130 गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है m का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ m हेडिंग है, तो हमें m का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में जो गिवन इक्वेशन है वो नोट डाउन कर लेंगे। तो 8^m + 2^m = 130। बट यहाँ पर 8 मीन्स 2^3 ये m टू द पावर ऑफ m एज यूजुअल रखो, तो ये 2^m एज यूजुअल, तो 130। यहाँ क्या किया, 8 के मतलब 2^3 होता है, तो 8 की जगह में 2^3 रखा है। तो यहाँ पर पावर रूल अगर यूज किया तो ये बनता है 2^m^3 + 2^m = दिस इक्वल्स 130। लेकिन हम यहाँ पर लेट करेंगे 2^m, यहाँ पर भी है 2^m, यहाँ पर भी है, तो हम लेट किया अगर t = 2^m के जगह में हम t लेट किया तो ये क्या बनते हैं, t³ + t = 130। ठीक है, ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन। इसे हम दो तीन तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम जो इजी लगता है वो उससे हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो एग्जांपल के तौर पे पहले 3 सॉल्यूशन हमें मिलेगा, तो एक तो हम निकालेंगे, एक कैसे निकालेंगे, एक जो गिवन है t³ + t = 130। ओके, तो यहाँ पर दोनों में टी है तो टी कॉमन ले लो, तो यहाँ पर t² + 1 बनता है इक्वल्स 130। इस 130 का जो ये है फैक्टर्स क्या बनता है इसका, 130 का 5 × 26 = 130, तो हम 5 × 126 हम लिख लेंगे। ठीक है, तो इस 5 × 26 को ये t = t² + 1 = 5 × 26 को हम 5² = 25 + 1 भी हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब t का वैल्यू और यहाँ पर 5 × 5² + 1 भी हम कर सकते हैं। अभी क्या हो गया, क्या फॉर्म में आ गया, देखो अगर दोनों कंपेयर किया तो t का वैल्यू 5 आ रहा है और t² + 1 का वैल्यू 5² + 1 आ रहा है, इसका मतलब t = 5। ये एक रूट है, रूट हो गया, t का वैल्यू 5 एक वन रूट हो गया। बाकी दो के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करके हम कर सकते हैं। तो हम इसे ब्रेक करेंगे, किसके हिसाब से t³ + t = 125 + 5, तो कितना होता है, उतना ही होता है, 130 बनता है। तो ये दोनों क्या कर दो, जो नंबर्स हैं वो लेफ्ट साइड में लाओ दोनों, तब ये बनता है t³ + t - 125 - 5 = 6। तो यहाँ पर t³ के साथ ये -125 जोड़ लो और प्लस टी के साथ ये -5 जोड़ लो, दिस इक्वल 6। तो यहाँ बन गया इनका ग्रुप, यहाँ बन गया इसका ग्रुप, तो ये बनता है t³ - 125 मीन्स 5³ कर दो, ठीक है, प्लस t - 5 एज यूजुअल रहना दो, दिस इक्वल 6। लेकिन यहाँ पर t³ - 5³ मतलब a³ - b³ के फॉर्म में आए, ठीक है, यहाँ पर ये इक्वल्स क्या बन रहे हैं, यहाँ पर ये इक्वल्स यहाँ पर t बनता है और b इक्वल्स क्या बन रहे, 5 बनता है, ठीक है। तो ये a³ - b³ का ये फॉर्मूला क्या है, a - b² + a × b + b² ये a³ + b³ का फॉर्मूला है। तो हम t³ - 5³, तो तब यहाँ पर क्या बन गया, ए इज 40 और बी इज 5 है, तो ये बनते हैं t - 5 × a² - t² + a × b - 5 × t + b² - 5² - 25। ओके, तब ये जो a³ - b³ का जो ये वैल्यू है इसमें पुट करेंगे, तब ये बनेगा t³ - b³ के जगह में हम t - 5 रखा और t² + 5t रखा + 25,
तो आगे का प्लस टी माइनस फाइव एज यूजुअल, ओके दिस इक्वल जीरो। तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पर टी माइनस फाइव एक ही है, तो इसके साथ वन समझ लो। तो टी माइनस फाइव यहाँ पर भी है, टी माइनस फाइव यहाँ पर भी है, तो टी माइनस फाइव जो दोनों तरफ है वो कॉमन ले लेंगे, तभी यहाँ पर बचेगा टी स्क्वेयर प्लस फाइव टाइम्स टी प्लस 25, फर्स्ट में बच रहे या प्लस है, प्लस कर दो, यहाँ पर ओनली वन बच रहे, दिस इक्वल जीरो। तब ये बन रहे टी माइनस फाइव टू टाइम्स टी स्क्वेयर प्लस फाइव टी प्लस 25 प्लस वन मीन्स 26, दिस इक्वल जीरो। यानी हमें यहाँ पर दो फैक्टर्स मिल रहे हैं, टी माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो और दूसरा मिल रहे हैं टी स्क्वेयर प्लस फाइव टी प्लस 26 इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की वजह से हम अगर ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर कंपेयर किया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो से, तब ये इक्वल्स हमें ये वन है समझ लो, तो वन मिलेगा, बी इक्वल्स टी का कोएफिशिएंट फाइव मिलेगा और सी का वैल्यू पॉजिटिव 26 मिल गया। ये एक्स इक्वल्स जो माइनस बी प्लस आर माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, जो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में ए का वैल्यू बी का वैल्यू और सी का वैल्यू पुट कर दो, तभी हमें एक्स का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर टी समझ, क्योंकि टी से चल रही है इक्वेशन, तो टी, तो हम यहाँ पर टी माइनस फाइव इक्वल्स जीरो एक नोट डाउन कर लेंगे सबसे पहले का ऐसा। तो यहाँ पर टी इक्वल्स फाइव समझ लो, ठीक है, तो टी का वैल्यू अगर हम रिकॉल किया, टी लेट किया सो एम टू टू द पावर ऑफ एम, तो टू टू द पावर ऑफ एम इक्वल्स फाइव होते हैं, तो हम ये बाद में देखेंगे, पहले ये सॉल्यूशन करेंगे। इस इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, पहले से डेल्टा का वैल्यू हम सब निकालेंगे, डेल्टा का वैल्यू क्या होगा देखेंगे, डेल्टा इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमें पता चला तो इस रूट्स का नेचर हमें पता चलेगा, यानी रियल है या कॉम्प्लेक्स है वो हमें पता चलेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी मीन्स फाइव है, तो फाइव स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए मीन्स वन और सी का वैल्यू 26 है, 26 रख लो, फाइव स्क्वायर मीन्स 25 माइनस फोर टाइम्स 26 अंकल 104, तो दिस इक्वल्स 25 माइनस 104 मीन्स नेगेटिव 79 बनता है, यानी डेल्टा का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। तो ये बनते हैं नेगेटिव, जो बी स्क्वायर माइनस डिस्क्रिमिनेंट क्या बन रहे हैं, स्मॉलर देन जीरो बन रहे हैं, इसलिए स्मॉलर देन जीरो रहने की वजह से हम इसे रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें एक्स का पावर में कभी भी वैल्यू बढ़ाई चाहिए। अभी हम टी इक्वल्स फाइव है ये एक्सेप्ट करेंगे, तो टी इक्वल्स फाइव, तो रिकॉल कर दो, रिकॉल टी का वैल्यू क्या है, टू टू द पावर ऑफ एम, ओके, तो टू टू द पावर ऑफ एम इज इक्वल्स टू फाइव बनता है। तो यहाँ पर टू टू द पावर ऑफ एम इक्वल्स फाइव हो गया, तभी यहाँ पर अभी दोनों तरफ क्या कर दो, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, अगर दोनों तरफ अगर लॉग लिया तो यह बनता है लॉग टाइम्स टू टू द पावर ऑफ एम इक्वल्स लॉग टाइम्स फाइव। लॉग का आइडेंटिटी क्या है, लॉग टाइम्स ए टू द पावर ऑफ एम अगर रहा तो एम टाइम्स लॉग ए बनते हैं, ओके, ये आइडेंटिटी यहाँ पर अगर यूज किया तो ये बनते हैं एम फ्रंट में आ जाएगा, एम टाइम्स लॉग टू इज इक्वल टू लॉग फाइव। तो दोनों तरफ अगर लॉग टू से अगर डिवाइड किया इस इक्वेशंस को तो ये बनेगा ए लॉग टू, लॉग टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो एम इक्वल्स लॉग फाइव डिवाइडेड बाई लॉग टू बनते हैं, आर इसे हम एम इक्वल्स लॉग फाइव टू द बेस टू भी हम बोल सकते हैं, लॉगरिथम इसमें ये आंसर ही है लॉगरिथमिक में, और हमें डेसिमल में चाहिए तो इसे हम
हर सॉल्यूशन करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर ये लेंगे m इक्वल्स log 5 डिवाइडेड बाय log 2। तो हम अगर log 5 इज नियरली इक्वल्स, अगर कैलकुलेटर से हम देखा log का वैल्यू, log 5 का वैल्यू, तो 0.6989 बनते हैं, और log 6 का वैल्यू नियरली इक्वल्स, log 6 नहीं log 2, यहाँ पर log 2 है, 0.3010 बनता है। देयरफॉर m इक्वल्स log 5 मीन्स 0.6989, m इज नियरली इक्वल्स डिवाइडेड बाई 0.3010। ओके, तो अगर ये एक में एक डिवाइड किया तो m का वैल्यू बनता है 2.3219। देयरफॉर m इज नियरली इक्वल्स 2.3219। ये हो गया डेसिमल में आंसर, ये लॉगरिथमिक में हो गया, ये डेसिमल में हो गया। ठीक है, तो m का वैल्यू क्या आ रहा है, 2.3219 इक्वल्स नहीं है, नियरली इक्वल्स 2.3219। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।